अगर आप लोग फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो अदिति नाम है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक नया चैनल है लेट्स डिकोड विद सरकारी सिबलिंग्स, जो मैंने और मेरे ब्रदर ने ओपन कर रखा है। आपको पता होगा लेट्स डिकोड विद अदिति ओपन किया था, इस पर अभी हम लोग आईए की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, सरकारी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वहाँ पर करवाई जाती है, हम दोनों ही सरकारी है, तो उस थीम पर चैनल बनाया है। चाहो तो एक बार नजर मार लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस देख लेना। आपके लिए फ्रॉम बेसिक्स हमने सीरीज अपनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो JRF अड्डा पर ज्वाइन नहीं किए हैं, नॉट नेसेसरली पेड कोर्सेज के लिए, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए भी JRF अड्डा पे जा सकते हो। इसके अलावा डाउनलोड कर लिया है अगर आपने JRF अड्डा एप्लीकेशन को और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्राइजेज आपकी क्या है। हिंदी मीडियम के अंदर भी आप लोगों के कोर्सेज अब अवेलेबल है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कौन सा ओपन सोर्स है। SPSS है, मिनीटैब है, R है और मैटलैब है। अभी अभी हम लोगों ने इस पर बात करी थी कि आप लोगों का जो R होता है, जो सबसे फेमस आपके लिए स्टैटिस्टिकल टूल है, डेटा एनालिटिक टूल है, सॉफ्टवेयर है, R वो आपका यहाँ पर सही होगा। R ने किसको रिप्लेस किया है? SAS को रिप्लेस किया है, ठीक है। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी एक तरीके का रिसर्च के अंदर डेटा एनालिटिक्स टूल है। मिनीटैब और मैटलैब ये भी क्या है आपके लिए? सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एनालाइज करने में काम में आते हैं रिसर्च के अंदर। ओपन सोर्स का स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की बात करूं तो देखो आप लोगों का आर टूल के ऊपर सवाल आया है। ये जो है ये एक इम्प्लीमेंटेशन है एस लैंग्वेज का, फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ओपन सोर्स है, ठीक है जी। देन अगर मैं बात करूं तो आपका PSPP है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि IBM ने बनाया है। और ये भी कहाँ से आया है? स्टैटिस्टिकल पैकेजेस जो है आप लोगों के वहां से निकल के आया है फॉर सोशल साइंसेज। तो ये आपको याद ना, SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना एक और फ्री सॉफ्टवेयर रिलीज किया है, इसका नाम है PSPP। देन आप लोगों के लिए है SciPy, यानी कि आप लोगों का स्टैट मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। ये जो है अनोवा से रिलेटेड टेस्टिंग हो गई, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक टेस्टिंग हो गई, है ना, GLM टेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन, प्लॉटिंग, इन सब के लिए काम करता है। आगे जाके आप PhD करोगे, रिसर्च एरिना में आगे बढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों के इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, या इन टूल्स पर आप एक्चुअली में काम भी करोगे। सबसे ज्यादा R टूल यूज किया जाता है, बट और भी टूल्स है जो आप यूज करोगे। देन आता है आपका OpenEPI। OpenEPI जो है ये वेब बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट आप लोगों का सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि आपके स्टैटिस्टिकल पर्पस पे और एपिस्टेमोलॉजिकल पर्पस पे काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो OpenEPI ये भी क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है। FitYK नॉन लीनियर रिग्रेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अगर बात करूं तो वहां पर यूज आता है। फिर आता है DAP जो है ये आप लोगों के SAS के लिए जो है वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर काम कर रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पर मुझे SAS की फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन? बहुत ही सिंपल सी चीज है और रिलेटेड भी है। फुल फॉर्म बताओ। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। आप जितने भी प्रोफेसर्स, जितने भी स्कॉलर्स से सुनोगे ना, वो बोलते हैं SAS टूल, R टूल, S टूल, इस तरीके से उन्होंने नाम लिए होंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर था, ये बहुत पॉपुलर होता है और इसका एक रिप्लेसमेंट के तौर पर अभी आ गया है DAP। क्या आ गया है? DAP, ठीक है जी, समझ गए हैं। आगे देखो ADMB जो है ये एक तरीके का नॉन लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है।